साथियों बुलारे साडे कोल होर भी ने पर असी समय की घाट करके उन्होंने टाइम नहीं दे सकते। हुण मैं साडी पार्टी दे स्टेट दे प्रधान श्री सिमरजीत सिंह जी बैंस नूं बेनती करदा कि वो तुहाडे नाल अपने विचार सांझे करन। साथी सिमरजीत सिंह जी बैंस बहुत ही सत्कारयोग छोटे दे वड्डे भराओ आदर ते सत्कार सहित फतेह अर्ज करदा वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। मैं लेट जरूर होया लेट की माफी मंगदा। मैंने एक पत्रकार वीर ने सवाल किया आते सार कहना बैंस साहब लोगों को बड़िया मतं सरकारी दफ्तर से जाके कहने भी समय सिर आया करो तो आप लेट आया। मैं लेट की माफी पत्रकार वीर भरावान तो मंग के आया थोड़े को भी मंगदा पर फतेह कैसा लफज है जिहड़ा कल्ला शरीर नूं नहीं आत्मा नूं भी तुर शक्ति दे दिंदा चार्ज कर दिंदा। अपना मोबाइल डाउन हो जाए ना तुसीं कंजूसी वरती है फतेह का जवाब नहीं दिता। मैं इस करके ये गल थोनू सुनाउण लग्या मोबाइल डाउन हो जाए ना अपना तो जब ही आप चार्जर लभण लग जाए चार्जर कित्थे ते फतेह कैसा पवित्र लफ्ज है जिहड़ा सरहदां दी राखी करदा साडा देश दा जवान है ते ओह भी इह फतेह दा जकारा छड्ड के फतेह दा जकारा बजाउंदा होइआ दुश्मन दीआं फौजां ते टुट पैंदा। दुबारा फतेह दी सांझ करदा कोई रसना वांझी ना रहे वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। इनकलाब इनकलाब इनकलाब। दोस्तों मैं तुहाडा सारिआं दा पठानकोट धन्नवाद करदा छोटे वीर सरदार जसविंदर सिंह जी होरां दा सेवक सिंह जी मनप्रीत गोपाल जी राकेश कुमार सुखविंदर प्रवेशपुरी मनप्रीत पूरन सिंह सतवीर सिंह सारे सत्कारयोग छोटे वीरां दा जिन्हां दे हुक्मां सदका प्रबंधां सदका आप जी दे वड्डी गिणती जी दर्शन करन दा समां प्राप्त होया। मैं भूरी धूरी शहर के अच्छ पहली बारी थोड़े रूबरू हो मैनू पहली बारी अच्छ धूरी शहर के लोगों का रूबरू होकर प्यार नसीब हो गया। गुरबाणी का पवित्र फरमान है मेरे वर्गे बंदे की औकात भी कुछ नहीं मेरे वर्गे बंदे की कोई औकात नहीं कि समय के पावरफुल लोगों का टाकरा करजे ताकतवर शक्तियों का टाकरा करजे सदा दे विराजमान सदा दे नाल हंकार दे विच ग्रस्त होए लोगों का टाकरा करजे मेरे वर्गे बंदे की औकात नहीं। गुरबाणी का पवित्र फरमान है इन्हीं की कृपा से सजे हम है नहीं मोह से गरीब करोड़ परे। ये तुहाडा प्यार है तुहाडियां दुआवां ने। एक पत्रकार वीर ने पिछे सवाल पूछा कहिंदा 2019 लोकसभा इलैक्शन की करोंगे 2019 लोकसभा इलैक्शन दे विच ते मैं जवाब दे के उन्हां लोगों नूं लैके आवांगे अगे जिन्हां वास्ते राजनीति धंधा नहीं जिन्हां दे उत्ते कोई धब्बा दाग नहीं उन्हां लोगों नूं लैके आवांगे अगे जिहड़े सही मानिआं दे विच राजनीति नूं देशभक्ति उन्हां लोगों नूं नहीं जिहड़े सिर्फ ते सिर्फ फेसबुक दे उत्ते या अखबारों के चंगे बयान देने वाले हो नहीं। ये गल दोस्तों नहीं बननी। असी गांधी महात्मा गांधी जी का सत्कार करते हैं रिस्पैक्ट करते हैं पर असी बार शहीद आजम सरदार भगत सिंह दे हैं उन्हां दी सोच के उत्ते पहरा देने वाले लोगों को पंजाब की धरती से लैके आवे 2019 के चोन दंगल के लैके आवेंगे। आवाजें खलक लगाड़ा है खुदा कहना होएगा की पत्रकार पुछता ते मैं जवाब दिता कि दोस्ता 10 साल लोगों ने बादलों का जुल्म अपने पिंडे दे पंजाब दे लोगों ने जुल्म हंडाते हुए पंजाब नूं लुटदिआं देखिआ 10 साल बादलों से बादलों के गुरगिआं ने माफिया राज पंजाब दे विच 10 साल पंजाबियों ने अपने तन ते हंडाया ते लोगों ने बड़े चाह दे विच क्योंकि आपां धर्मी लोग गुरुआं पीरां पैगंबरां की धरती के वारस लोग देवी देवतिआं नूं मन्नण वाले लोग आप यकीन करके जी पवित्र गुटका साहब मत्थे ला के सहु चुकन वाली गल सी धर्मी लोग पंजाब के विरसे धर्म
ਦਾ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਤੇ ਦੇਵੀ ਦੇਵੀ ਦੇਵਤਿਆਂ ਨੂੰ ਮੰਨਣ ਵਾਲੇ ਧਰਮੀ ਲੋਕ ਉਸ ਝੂਠੀ ਸਹੁੰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਯਕੀਨ ਕਰਦੇ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਜਾਤ ਜਿਹੜੀ ਅੱਜ ਤੱਕ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਦੇ ਇੰਨੀ ਮੈਜੋਰਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਨਹੀਂ ਬਣੀ। 70 MLA ਦੇ ਧਰਮੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉਸ ਪਵਿੱਤਰ ਗੁਟਕਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸਹੁੰ ਨੂੰ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਰੱਖਦੇ ਤੇ 10 ਸਾਲ ਬਨਾਮ 21 ਮਹੀਨੇ ਆ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਬੋਰਡ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਆ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ 21 ਮਹੀਨੇ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਬਣਾਉਂਦੇ। ਇੱਕ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਬਾਂਹ ਖੜੀ ਕਰਕੇ ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਸਮੇਂ ਦੀ ਹਕੂਮਤ ਦੇ ਨਾਲ ਬਾਂਹ ਵਾਸਤਾ ਰੱਖਣ ਵਾਲਾ ਸੱਜਣ ਮੈਨੂੰ ਬਾਂਹ ਖੜੀ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰੈਸ ਮੀਡੀਆ ਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਬੇਟ ਕਰਕੇ ਦੱਸੇ ਕਿ 10 ਸਾਲ ਬਨਾਮ 21 ਮਹੀਨੇ। ਜੇ ਰਤਾ ਮਾਸਾ ਵੀ ਫਰਕ ਪਿਆ ਹੋਵੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿਸੇ ਮਾਫੀਏ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਤੇ ਕੋਈ ਕਮੀ ਆਈ ਹੋਵੇ, ਸਿਰਫ ਤੇ ਸਿਰਫ ਦੋਸਤੋ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਨਾਮ ਤਬਦੀਲ ਹੋ ਗਏ, ਪੱਗਾਂ ਦੇ ਰੰਗ ਚੇਂਜ ਹੋ ਗਏ, ਝੰਡਿਆਂ ਦੇ ਰੰਗ ਚੇਂਜ ਹੋ ਗਏ, ਪਰ ਮਾਫੀਆ ਉਹ ਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਫਰਕ ਪਿਆ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿਓ, ਮੈਂ ਬਾਅਦ 'ਚ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆਉਣਾ ਹੈ। ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ, ਨੱਥਾ ਗਿਆ ਤੇ ਪ੍ਰੇਮ ਆ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ 2017 ਦਾ ਚੋਣ ਦੰਗਲ ਭਖਿਆ ਤੇ ਮੈਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕਹਿ ਕੇ ਗਏ ਕਿ ਅਸੀਂ ਲੁਧਿਆਣੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਮੇਰਾ ਰੋਮ ਰੋਮ ਰਿਣੀ ਆ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦਾ, ਪੂਰੇ ਜਗਤ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦਾ ਰੋਮ ਰੋਮ ਰਿਣੀ ਆ ਮੇਰਾ। ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਲਫ਼ਜ਼ ਨਹੀਂ ਜਿਹਨਾਂ ਲਫ਼ਜ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੇ ਪਿਆਰ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਚੁਕਾ ਸਕਾਂ। ਮੈਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਲੁਧਿਆਣੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ, 2017 ਦੀ ਅਸੈਂਬਲੀ ਚੋਣ ਆਈ ਤੇ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਹਲਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ 17-18 ਘੰਟੇ ਗਿਆ, 2 ਹਲਕੇ ਲੁਧਿਆਣਾ ਆਤਮ ਨਗਰ ਤੇ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੱਖਣੀ ਡਿਊਟੀ ਲੱਗੀ, ਕਦੇ ਪਟਿਆਲਾ, ਕਦੇ ਸੰਗਰੂਰ, ਕਦੇ ਬਠਿੰਡਾ, ਕਦੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ, ਨਵੇਂ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ।